वेलकम एवरीवन, क्लास इलेवेंथ का चैप्टर टू पढ़ रहे हैं और आज शुरू करेंगे सर्वे रिसर्च मेथड। तो सर्वे रिसर्च क्या होती है, यूजुअली हम सबको पता है सर्वे कैसे किया जाता है। जब बहुत सारे लोगों से हम कोई डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं उसको सर्वे कहा जाता है। तो जैसे ये कह रहे हैं कि आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है या टेलीविज़न में भी देखा है कि इलेक्शंस में हम सर्वे कंडक्ट करते हैं, लोगों से पूछते हैं ना जा जाके कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को करेंगे वोट या वो किसके फेवर में है। तो सर्वे में ऐसे ही होता है कि हम लोगों की ओपिनियंस को स्टडी करते हैं, एटीट्यूड को स्टडी करते हैं, सोशल फैक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो मेन कंसर्न क्या था, इनिशियली वॉज टू फाइंड आउट एग्जिस्टिंग रियलिटी और बेस लाइन, के मतलब क्या रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है या लोगों से क्या चीज़ें, उनकी ओपिनियंस को जानने के लिए सर्वे किया जाता था। तो देर वर यूज टू फाइंड आउट फैक्ट सच एज लिटरेसी रेट कितना है पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे सेंसर्स आज के टाइम पे पूछते हैं लोगों के घर में जा जाके पूछते हैं ना कि उनके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सब। तो फैक्ट्स वगैरह पूछने के लिए, रिलीजियस एफिलिएशंस पूछने के लिए, इनकम लेवल जानने के लिए, एंड दे आर आल्सो यूज टू फाइंड आउट एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड फैमिली प्लानिंग। तो लोगों के एटीट्यूड क्या है कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, जैसे फैमिली प्लानिंग हो गई। एटीट्यूड टुवर्ड्स गिविंग पावर्स टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब इस तरह की ओपिनियन, लोगों की ओपिनियन हेल्थ की जैसे टुवर्ड्स क्या है, या कोई प्रोग्राम चल रहा है हेल्थ से रिलेटेड उसके बारे में क्या फीडबैक है, या एजुकेशन के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, तो ये लोगों से पूछा जाता था। हाउएवर दे हैव नाउ इवॉल्व्ड इनटू मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, अभी और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक हो गई है सर्वे मेथड, क्योंकि अब साइकोलॉजिकल स्टडी में साइंटिफिकली स्टडी की जाती है और सर्वे रिसर्च का यूज़ किया जाता है, विच हेल्प्स इन इन्फरिंग वेरियस काइंड ऑफ कॉजल रिलेशनशिप। यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम बहुत सारे जितने भी इवेंट्स हैं या जो भी फिनोमिना है उसका कॉज ढूंढ सकें। तो जहाँ कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है तो वो एक साइंटिफिक रिसर्च की तरह बन जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि बॉक्स 2.2 नीचे एक दिया हुआ है जहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है सर्वे का, जो हम अभी पढ़ेंगे। सर्वे रिसर्च यूजेस डिफरेंट टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। हम सर्वे जब करते हैं तो उसमें लोगों से कैसे लेते हैं इन्फॉर्मेशन, वो अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चनेयर यानी कि क्वेश्चंस की लिस्ट होती है जो दे दी जाती है, क्वेश्चनेयर भेज दिया जाता है, आजकल तो मेल पे भी भेज देते हैं, या आजकल गूगल फॉर्म का लिंक भी बना के सोशल मीडिया पे भेजा जा सकता है। या आपने देखा ही होगा कि सर्वे करने के बहुत तरीके आ गए हैं सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में बहुत तरीके होते हैं जहाँ पे आप लोगों से उनकी ओपिनियन फिल करवा सकते हो, जैसे पोलिंग का तरीका होता है, यूट्यूब में पोलिंग मेथड होता है। तो ऐसे हम टेलीफोनिक सर्वे भी कर सकते हैं, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स हैं जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है इन्होंने सर्वे मेथड का, जो दिसंबर 2004 में हुआ था। सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय आउटलुक साप्ताहिक मैगजीन, ये एक मैगजीन है आउटलुक साप्ताहिक मैगजीन, इन्होंने सर्वे किया था टू नो व्हाट पीपल ऑफ इंडिया मेक्स द पीपल ऑफ इंडिया हैप्पी, के लोगों की, जो इंडिया के लोगों की हैप्पीनेस है वो किस पे डिपेंड करती है। सर्वे वॉज कंडक्टेड इन 8 बिग सिटीज, कहाँ कहाँ पे सर्वे हुआ था, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, रांची, और कितने लोगों से इन्होंने पूछा था, 817 लोग, जिसमें एज ग्रुप थी 25 से 55 साल के जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उनको इन्होंने क्वेश्चनेयर से पूछा था, क्वेश्चनेयर वाज यूज्ड इन द सर्वे, कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आर यू हैप्पी करके, ठीक है, जहाँ पे लोगों ने अपने व्यू देने थे 5 पॉइंट स्केल में, मतलब इसमें ऑलरेडी आंसर इन्होंने 5 ऑप्शन दे रखे थे, जैसे 5 है तो एक्सट्रीमली हैप्पी, 4 है तो मोर ऑर लेस हैप्पी हो गया, 3 है तो नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी न्यूट्रल है, 2 है तो लेस हैप्पी होता है, या 1 है तो एक्सट्रीमली अनहैप्पी हो गया। तो ऐसे 5 पॉइंट स्केल पे आंसर करने थे। अबाउट 47% ऑफ पीपल रिपोर्टेड दैट देवर एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि 47% लोगों ने बोला कि वो एक्सट्रीमली हैप्पी हैं। 28% लोगों ने बोला देवर मोर और लेस हैप्पी, मतलब ठीक ठाक हैप्पी हैं। 11% सेड देवर नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, कि वो ना तो हैप्पी है ना अनहैप्पी है। 7% सेड ईच फेल इन द लास्ट टू कैटेगरी, जो 7% लोग थे या तो वो कम हैप्पी थे या वो एक्सट्रीमली अनहैप्पी थे, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरह से इनको परसेंटेजेस मिले उसके आंसर की। अब सेकेंड क्वेश्चन किस टाइप का था, जैसे कैन यू बाय हैप्पीनेस विद मनी, क्या आप हैप्पीनेस खरीद सकते हो पैसों से। अब इसमें ना 3 ही ऑप्शन थे, या तो येस का या नो का या डोंट नो का। तो 80% लोगों ने क्या बोला, एक्सप्रेस दैट मनी कांट बाय हैप्पीनेस, कि मनी हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता।
ऐसे ही अनदर क्वेश्चन था, व्हाट गिव्स देम मैक्सिमम हैप्पीनेस, किस चीज से उनको मैक्सिमम हैप्पीनेस मिलती है। तो मोर देन 50% रिस्पोंडेंट रिपोर्टेड पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड से हैप्पीनेस मिलती है। एंड हेल्थ मतलब बाकी 50% ने बोला हेल्थ से, मतलब हेल्थ अच्छी होगी तो हैप्पीनेस अपने आप होगी। तो दिस वॉज फॉलोड बाय रिस्पॉन्सेज सच एज सक्सेस इन देयर वर्क, मतलब ज़्यादातर लोगों ने पहले पीस ऑफ माइंड बोला 52% ने, फिर कुछ ने बोला कि हेल्थ अच्छी होगी तो हैप्पीनेस अपने आप हो जाएगी, फिर कुछ लोगों ने बोला कि सक्सेस मिलेगी अगर काम में, फिर कुछ लोगों ने बोला फैमिली से हैप्पीनेस मिलती है। इस तरह से फिर अनदर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट डू दे डू व्हेन दे फील अनहैप्पी और सैड, जब वो उदास होते हैं तो क्या करते हैं। तो इसमें 36% लोगों ने बोला ऑप्टेड फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक, वो म्यूजिक सुनते हैं। 23% लोगों ने बोला कि दोस्तों के साथ रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है। एंड 15% लोगों ने बोला वो मूवी देखने चले जाते हैं। तो देखो इससे ये पता चलता है कि लोगों की ओपिनियन कैसे हैं, किस तरफ क्या एटीट्यूड्स है, या हमारे हैप्पीनेस का फैक्ट क्या है। अगर हम अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो वहाँ लोगों की हैप्पीनेस में क्या है, कितनी हैप्पीनेस है कितनी। तो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज़ ऑफ सर्वे मेथड, जो आज के टाइम पर साइकोलॉजी में भी बहुत ही साइंटिफिकली यूज़ करा हुआ मेथड है, जो करते हैं यूज़। एंड इसमें बहुत सारे जो टेक्निक्स होते हैं उसमें से एक है पर्सनल इंटरव्यू, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।